सो हाय गाइज, वेलकम टू द ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आज डे वन है हमारे चैलेंज का और ये रहा हमारा आज का टू-डू लिस्ट। ये अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी देखा होगा, अभी कभी मैंने शेयर किया था। अभी एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले उठा था, तो ही मैं जा रहा हूँ नहाने। और आज क्योंकि संक्रांति है, तो सबसे पहले हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन। सबसे पहले मेरे को था कि मैं आपको टू-डू लिस्ट शेयर कर दूं, तो वो मैंने कर दिया है। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो पहले मैं नहाऊंगा, फिर ब्रेकफास्ट करूंगा और फिर आता हूं वापस, तो मिलता हूं आपसे मैं। तब तक के लिए ओके बाय। तो हां जी, अभी आई एम बैक। और अभी सबसे पहले तो आप ये देखो, आज 15 तारीख है, ये दिखाना जरूरी है। अभी सुबह के 8:27 हो रहे हैं। मैं पता है भाई, जल्दी जल्दी कर रहा था ताकि हमें टास्क ज्यादा करने हैं, तो ज्यादा लेट ना हो। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया, नहा भी लिया है। अभी अपन लगते हैं अपने टूर लिस्ट पे। और हाँ, आज 15 तारीख है, दिखाना इसलिए जरूरी ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया आज डे वन है हमारे चैलेंज का। और आज का ब्लॉग यानी 15 तारीख का ब्लॉग आज ही 15 तारीख को ही आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके लिए बेसिक प्लानिंग मैंने ये सोची है कि डे के बीच में एडिट करते हुए चलूंगा, ताकि डे के एंड होने पे अचानक हमें पूरा पोर्शन एडिट करना हो। मैं लंच के टाइम में थोड़ा एडिट कर लूंगा, और बीच में थोड़ा अगर टाइम मिल पाया कभी ब्रेक वगैरह लिए, तो हम तभी भी एडिट कर लेंगे। और आज का ब्लॉग मेरा टारगेट आपको 10 PM पे दे देने का। थोड़ा बहुत अप डाउन भी हो सकता है, वो अपने हाथ में नहीं, देखते हैं। आज डे वन है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस कल हम अप्लाई करेंगे, याद से सीखे कि अगले दिन हमें कितना कैसे एडिट करना होगा, ताकि हम और टाइम पे दे पाए। एनीवे, अभी हम लगते हैं अपने पहले टारगेट पे, जहां मैं कोई इलेक्ट्रो स्टेट्स कलेक्शन नंबर 12 करना है। और यार, मैंने कम्युनिटी पोस्ट देखा जो मैंने किया था, तो उसके अंदर इतने सारे लोग अपने अपने टारगेट्स बताए थे। इट वाज रियली सो गुड कि हम लोग सब साथ में इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। बस ये है यार कि रुकना नहीं है, और डे थोड़ा टफ भी होएगा, पर अपन गिव अप नहीं करेंगे। आज डे वन में अपन जितनी एनर्जी से जा रहे हैं, उतनी ही एनर्जी से डे सिक्स में भी अपन आगे बढ़ रहे होंगे। एंड आप यकीन मानो, डे सेवन पे जो सेटिस्फेक्शन होगा कि भाई लास्ट वीक क्या प्रोडक्टिव वीक था। हम इतना हार्ड वर्क कर रहे थे, थक रहे थे, पर अपन रुक नहीं रहे थे। और ये चैलेंज तो बस स्टार्टिंग है भाई, ये वार्म अप है, आप समझो, क्योंकि अभी एग्जाम पास में अब की बार यार मचाना है। ये हमारा सारा हार्डवर्क हमारे रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। तो अभी जाके फाइनली हमारा ये वाला लेक्चर पूरा खत्म हुआ, और इसको पूरा करने में आप टाइम अभी देखो कितना हो गया हमारा, 11:34 AM हो रहा है। तो अभी हमारा इधर इलेक्ट्रो का लेक्चर नंबर 12 तो कंप्लीट हो गया, तो ये डन है। और मेरे को आगे इलेक्ट्रो को रिवीजन भी करना था आज, तो मैं सोच रहा हूँ अभी इलेक्ट्रो को रिवीजन कर लेने का। मैंने इलेक्ट्रो का रिवीजन इसलिए रखा था ना, क्योंकि इलेक्ट्रो आज खत्म हो रहा है। इलेक्ट्रो के अब तक मैंने जितने भी लेक्चर लगाए हुए हैं, 12 लेक्चर, सबको एक बार रिवीजन कर लेने का। और कल मैं कोशिश करूंगा इसके अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लें। खैर, अभी हम रिवीजन करते हैं। एंड रिवीजन करने के लिए मैं मेनली यही लेक्चर के नोट्स का हेल्प लूंगा, क्योंकि मैंने डिटेल नोट्स इसके नहीं बनाए हुए हैं। ऑफकोर्स यार, इतना टाइम था नहीं, और मैं इनसे शॉर्ट नोट्स वगैरह देखूंगा बनाने का। फॉर्मूला एक जगह हम लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं। खैर, फिलहाल हम रिवीजन करते हैं इसको। मैं अभी लेक्चर 1 के PDF से स्टार्ट करूंगा रिवीजन करना, और कोशिश करेंगे लेक्चर 12 तक पूरा कर ले। जल्दी जल्दी हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा है कल ही इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, तो आज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत करूंगा। मेनली कोशिश करेंगे बार फ्लो में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर के अंदर, हम वो देख लें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 से करना। और अगर आप चैलेंज आज से सोच रहे स्टार्ट करने का, यानी अब तक नहीं किया था स्टार्ट चैलेंज को, तो आप स्टार्ट कर सकते हो चैलेंज। मैंने जो पहला वीडियो डाला था चैनल पे, आप उसको देखना, उसके अंदर मैंने चैलेंज के बारे में अच्छे से बताया। जैसे हर रोज सुबह में कम्युनिटी पोस्ट, शाम को वीडियो, रोज अपन सुबह में टारगेट लेंगे, इसमें अपने टारगेट्स आपसे बताऊंगा, आप मेरे को अपने टारगेट्स बताना। रोज अपन साथ में टारगेट्स लेंगे एंड उसे पूरा करेंगे। एंड जिन लोगों का डे 1 था चैलेंज का, तो लेट मी नो आपका डे कैसा रहा, जो आपने टारगेट्स लिए थे, हाउ मच ऑफ दैट यू डिड। और चूंकि यार आज मैंने सोचा है 10 बजे वीडियो को दे देने का, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा 8:30 तक हमारे मैक्सिमम जितने टारगेट पूरे हों, फिर जब मैं डिनर को जाऊंगा तो उसी के साथ में वीडियो को एडिट कर दूंगा एंड फाइनली रेडी करके आपको दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा। अब ये टाइम 10 बजे थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, मैंने 10 बजे सोचा तो है करने का, थोड़ा सा अप या थोड़ा डाउन हो सकता है, तो डे 1 है। आगे मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे ये टाइमिंग भी सही हो जाए। तो अभी मैंने लेक्चर नंबर 7 तक रिवीजन किया है यार, मेरे को लगा अभी यहाँ पे एक पॉज लेते हैं। और लेक्चर नंबर 7 के बाद और 5 लेक्चर रहते हैं चैप्टर के अंदर, लेक्चर 12 है, सबको रिवीजन करने को। तो अब बाकी मैं कल ही करूंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम लग रहा है यार इसके अंदर। अभी आप रुको, एक बार टाइम दिखाता हूं मैं आपको। मैंने अभी टाइम देखा, 12:53 हो गया है। तो अब इससे यार टाइम देंगे तो फिर हमारे आगे के टास्क डिस्टर्ब होंगे, इसलिए मैं अब इसके आगे कल ही देखूंगा। अभी लेक्चर नंबर 7 तक ही रहने देते हैं हम। ऑल्सो यार, 50% ज्यादा तो हमने कर ही लिया, और बस 5 लेक्चर के रिवीजन करना है, तो मैं कल कर लूंगा, और साथ में कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसका कर लेंगे। ये वैसे थोड़ा बड़ा चैप्टर है भी, तो थोड़ा टाइम लगा इसको करने में, तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इधर हमारा रिवीजन वाला टास्क भी पूरा हो गया इलेक्ट्रोस्टेट्स का, तो ये कंप्लीट है। अगला मेरे को एनाटॉमी में सोच रहा हूँ करने का, बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी से इसको पढ़ना भी है, और साथ में इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी करना है। तो अभी एनाटॉमी को देख लेते हैं हम। अभी एनाटॉमी की रीडिंग करते हुए साथ में एनसीईआरटी हाइलाइट्स को भी देख रहा हूँ, बिकॉज ये मेरे को बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगता है। जैसे लास्ट 25 ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए AIPMT, एम्स या नीट के अंदर, वो सब एनसीईआरटी किन लाइंस आए हैं ऑलरेडी इसके अंदर हाइलाइटेड है फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट। इसको फ्री में एक्सेस आप भी कर सकते हो, इसके लिए बस आपको प्ले स्टोर से नीट प्रिपरेशन सिलेब को डाउनलोड करना है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि इन लाइन से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, साथ में वो कौन से ईयर में आए हुए हैं, एट द सेम टाइम आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आप उसके लिए एनसीईआरटी अभ्यास बैच ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज इसके अंदर ना सिर्फ आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, बल्कि अगर इन
क्वेश्चंस के अंदर कोई कंफ्यूजन होती है तो उन क्वेश्चंस के प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएंगे। साथ में आफ्टर एनाटॉमी रीडिंग मैंने जो भी पेजेस पढ़े एनसीईआरटी के उन पेजेस के पेज फिल्टर लगा के मैं उन पेजेस से जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस कर ली। और जब आप एनसीईआरटी अभ्यास बच लेते हो तो आपको इस फीचर का भी एक्सेस मिल जाता है। एंड इट्स नॉट जस्ट दिस, आपको इन क्वेश्चंस के अंदर भी अगर कोई दिक्कत आता है तो आपको प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन इनके मिल जाएंगे। साथ में इसके अंदर बुकमार्क का भी फीचर दिया हुआ है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपको अगर कोई क्वेश्चन लगता है जैसे हम स्टार मार्क करते हैं इनको दोबारा रिविजिट करना है तो आप उनको यहाँ बुकमार्क कर सकते हो, एक अलग बुकमार्क सेक्शन में स्टोर हो जाएंगे और जब चाहो आप इनको दोबारा रिविजिट कर सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है या लगता है इनको दोबारा रिविजिट करना है उनको आप बस एक क्लिक में इधर से बुकमार्क कर सकते हो। इस पेज के सारे डिटेल्स एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया है तो आप वहां जरूर चेक करना एक बार। एनाटॉमी को कंप्लीट करने के बाद मैं चला जाता हूं लंच वगैरह करने, क्योंकि लंच का टाइम भी हो ही गया होता है। एंड इधर हमने एनाटॉमी तो कंप्लीट कर लिया था तो एनाटॉमी का रिवीजन भी हो गया था एंड एनाटॉमी के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए थे। आज चूंकि संक्रांति है ना तो घर पे ये सब बना था, पूड़ी सब्जी, और पूड़ी मैंने जानबूझ के चार ही लिए हैं क्योंकि यार इसके बाद हमें बैठ के पढ़ाई वगैरह भी करनी है। तो मैं लंच कर लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे लंच के बाद। लंच से वापस आने के बाद मैं फिर से वापस अपने आज के टारगेट्स को पूरे करने में लग जाता हूँ। और अभी मेरे को आगे आयोनिक करना है, मैं अभी आयोनिक ओपन करके चेक कर रहा था मेरे को, और अभी इसके अंदर इतना पोर्शन कंप्लीट करना है वन शॉट के अंदर। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ चूंकि मैंने रिवीजन भी लिया हुआ है आज आयोनिक का, तो सबसे पहले मैं लास्ट अभी तक जितना पढ़ा हुआ आयोनिक के अंदर उसको रिवीजन करूंगा। कुछ डीबीपीएम लगा लेते हैं उसके अंदर, चूंकि इतना हमने पढ़ाया तो एक बार रिवीजन करना बनता भी है यार। तो पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको और फिर डीबीपी वगैरह कुछ लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आयोनिक को आगे कंटिन्यू करूंगा और देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है ये। क्योंकि यार 8:30 तक ही जितना हो पाएगा हम कर पाएंगे, उसके बाद मेरे को तो पॉज लेना पड़ेगा वीडियो वगैरह रेडी करने के लिए और साथ में को डिनर भी जाना होगा, उसके बाद आके आगे मैं देख सकता हूं जो हमारा पोर्शन बचेगा आयोनिक के अंदर। फिलहाल तो अभी हम सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर मैं कुछ डीबीपी वगैरह लगा लेता हूं, फिर हम इस टास्क पे आते हैं। पहले रिवीजन करता हूं मैं। तो मैंने आयोनिक को रिवीजन किया, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस और मैंने कुछ डीपीपी वगैरह भी लगाए इसके, और इसको करने में ही 7 बज गए हैं। 8:30 तक मैं वो करना था, मैं आयोनिक को सोच रहा था ये कितना हो पाएगा देखते हैं 8:30 तक। मैंने सोचा था आज कंप्लीट कर देंगे, वैसे कंप्लीट मैं कोशिश करूंगा कर दूं मैं डिनर वगैरह के बाद जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। खैर फिलहाल हम इसको करना शुरू करते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। और हाँ, इधर ये वाला तो हमारा पूरा हो गया है तो ये कंप्लीट है, अभी आयोनिक हम कर रहे हैं। तो आयोनिक में 8:30 तक करता हूँ और उसके बाद वीडियो एडिट करने चला जाता हूँ और कर रहा हूँ अब तक, चूंकि अभी मैं जो बोल रहा हूँ, और रात के अभी 11 बज चुके हैं, 10 बजे देने वाला टारगेट तो पूरा नहीं हो पाया है। हाँ, ये वीडियो आपको 11:30 तक हो पाएगा, मैंने 10 का टारगेट रखा था, 11:30 तक थोड़ा डिले हुआ, पर अगले दिन मैं इसको इम्प्रूव करूंगा क्योंकि टफ तो है सब कुछ एक साथ मैनेज करना। इनफैक्ट मैंने अब तक डिनर नहीं किया, अब मैं जाऊंगा डिनर करने रात के अप्रोक्स 11:30 या 12 बजे। बाय द वे लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपका कैसा दिन था, कितने टारगेट्स पूरे हुए। ऑल्सो यार 20K सब्सक्राइबर्स के हम काफी क्लोज हैं, तो अगर आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। जैसा मैंने पहले बताया था, अगर 17 तारीख के पहले 20 के हो जाते हैं तो मैंने कुछ और स्पेशल भी सोचा है। बाकी मिलते हैं कल डे 2 पे। कीप स्टडिंग, बाय।